Assalamualaikum and most welcome back guys, I am Tehsin Nazar and you are watching of Tehsin Sir Tech YouTube channel। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को पढ़ा, जैसा कि हमने जो पहली प्रोग्रामिंग हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने HTML को पढ़ा, देन हमने CSS को पढ़ा और अभी जो हम जिस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं वो है Arduino। Arduino में हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने जानना है कि हमने HTML को सीखना क्यों है, HTML सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम इस सीरीज़ को क्यों सीखें, हम इस सीरीज़ में इंटरेस्ट क्यों लें। तो देन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं अब जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में, मैं अमेरिका में चला जाता हूँ और मुझे सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू आती है और पंजाबी आती है, ठीक है। तो वहाँ का जो जिस बाशिंदे के साथ मेरी मीटिंग है, जिस बंदे के साथ मैंने बातचीत करनी है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो हम दोनों आपस में कैसे बातचीत करेंगे, तो इसका ज़रा हल बताएं, इसका जवाब बताएं। इसका हल दो सिर्फ हल हैं, एक हल तो ये है कि हम अपने दोनों के दरमियान एक कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, एक कन्वर्टर वो ऐप भी हो सकती है, वो कोई डिवाइस भी हो सकती है कन्वर्टर, ठीक है। देन हम या तो कोई डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे या तो किसी एक वैसे बंदे को लेके आएंगे जो उर्दू भी समझता हो और इंग्लिश भी समझता हो, वो मेरी ज़ुबान को उसकी ज़ुबान में कन्वर्ट करेगा और उसकी ज़ुबान को मेरी ज़ुबान में कन्वर्ट करेगा, देन प्रॉब्लम इज़ सॉल्व, इतना मसला है और इसके इसका सलूशन है। और अगर ये मसला हमें आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक रोबोट है, मेरे पास एक रोबोट है, मैंने उसका ढांचा बना लिया, हाथ बना लिए, पाँव बना लिए, उसके बाजू बना लिए, उसकी सारी चीज़ें बना ली, तो अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, दो कदम आगे जाओ, दो कदम पीछे जाओ, दो कदम लेफ्ट आओ, दो कदम राइट जाओ, हाथ उठाओ, पाँव उठाओ, ये करो, तो मैं उसे ये कमांड कैसे दूंगा। अब मैं उर्दू समझता हूँ या फिर इंग्लिश समझता हूँ तो मैं उसे कैसे समझाऊँगा, क्योंकि उसकी ज़ुबान तो जो है वो तो सिर्फ है 01 10 01, वो ज़ीरो समझता है या फिर वन समझता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, एक सोल्यूशन आ जाता है इस प्रॉब्लम का, वो है Arduino। Arduino एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है और इजी सोल्यूशन है। ये सीरीज़ आपको इंशाल्लाह एक स्टेप बाई स्टेप और बहुत ही इजी वे में आप सीख सकते हैं, इसमें इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं है। ये सीरीज़ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन आपने जो अच्छी इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, जो आपने माइक्रो कंट्रोलर सेंसर वगैरह वो खरीदने होंगे, वो भी बिल्कुल वेरी चीप हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, कहाँ कहाँ से आपने वो चीज़ें लेनी हैं। तो ये तो होगी बात, तो हमने एक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रोबोट बना सकते हैं, हम अपने घर को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने घर के अंदर दाखिल हूँ, तो मैं कहूँ लाइट्स ऑन हो जाए, मैं कहूँ फैन ऑन हो जाए, और इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ दरवाज़ा खोल जाऊँ तो खुद ब खुद अंदर की लाइट्स ऑन हो जाए, मैं सिक्योरिटी लॉक लगाने जाता हूँ, तो यार बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी कर सकते हैं। ये इतनी काम की ये सीरीज़ है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आपकी अर्निंग जो है वो इतनी इंक्रीज़ होगी ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता इसकी, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो देखें, वो सारा फ्यूचर जो है ऑटोमेशन का। अब आने वाले फ्यूचर में क्या हो रहा है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, ताकि आप देख लें कि आज से एक 25 साल पहले जाएँ तो हमारे पास बड़े बड़े टेलीफोन हुआ करते थे, उसके बाद हमारे पास मोबाइल्स आए, देन हमारे पास स्मार्टफोन अभी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जिससे ये वीडियो देख रहे हैं, स्मार्टफोन हमारे पास आ गए, और आप देख लें 20 साल में कितनी तरक्की हुई है और आने वाले 20 साल में ये कितनी तरक्की होगी। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, ऑटोमेशन पे बहुत ही ज़्यादा वर्क हो रहा है, और ऑटोमेशन ने जिसने जिस बंदे ने ऑटोमेशन सीख ली उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। मैंने सीखी है, मैं से काम ले रहा हूँ, मुझे पता है। तो मकसद क्या है कि इस चीज़ को सीखना आपने अपने फ्यूचर बनाने के बराबर है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को सीखना बहुत ही आसान है। अब इस सीरीज़ को हम कैसे सीखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक 5 डिवाइसेस हैं, Arduino UNO है, देन Arduino UNO और है, Arduino इन दोनों में से थोड़ा सा दोनों में थोड़ा फ़र्क है, माइक्रो कंट्रोलर का सिर्फ फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। और देन मेरे पास NodeMCU है, देख लीजिए वाईफाई का कंट्रोल है, देन मेरे पास Arduino नैनो है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये Arduino नैनो है और मेरे पास Arduino मेगा है। हम जितनी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हम जितनी सीरीज सीखेंगे, वो सारी इस पे बेस्ड होगी,
उस सारी में आपको इसके ज़रिए आप एक समझिए कि पूरे शहर को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसमें इतने काम अपने पूरे घर को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इसमें आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं जिनका आपने ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक साइफाई या एडवांस मूवीज़ में आपने देखा होगा। जो भी आपने साइफाई या एडवांस्ड मूवीज़ में देखा है वो सारा कुछ आप रियल लाइफ में खुद कर सकते हैं इस चीज़ को सीखने के बाद इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने समझा होगा कि हमने इस सीरीज़ को क्यों शुरू करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर डिटेल से बात करेंगे कि हमने इन ही को क्यों चुना, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे रसबेरी पाई पे और भी रसबेरी पाई पे ऑरेंज है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिनको से अगर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, PLC पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमने इस ही को क्यों चुना, हमने आर्डिनो को ही क्यों चुना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। और हाँ, हमारे चैनल तहसीन सर टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उससे एक फ़ायदा हो, क्या होगा कि हम जैसे नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सारी सीरीज़ आपके पास पहुँचती जाएगी, आप उसको देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे और आप भी इंशाल्लाह एक ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।